कौन है? एक बार तो माँ कह के बोल मेरी ला। इधर उठ मेरी ला। ये औरत कौन की आवाज आ रही है? हाय ला। आज देखता हूँ चल के, ऐसा मैंने कभी किसी औरत की आवाज इस शमशान के अंदर नहीं सुनी। हाय मेरी लाल। है? लाल लाल कहकर के चिल्ला रही, लगता है कोई दुखिया है, चल करके देखना होगा। मुझे पता है तू बोलेगा, क्योंकि तेरी माँ तेरे से बहुत प्यार करती है। ए मुर्दा फूकने वाली औरत, ए दुखिया, तू कौन है, कहाँ से आई है और क्यों रो रही है? आप जो भी हो, हाँ, यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ अपने बेटे से बात कर रही हूँ, मैं किसी और से बात नहीं करना चाहती। हे दुखिया, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या तेरा पति नहीं जो तू इस मृतक लाश को लेकर शमशान में आई है? नहीं है। इतनी रात्रि के वक्त क्या तेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। क्या? सिर्फ मेरा बेटा है मेरा इस दुनिया में, और मेरे बेटे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हे दुखिया, अगर मेरा कोई होता तो आज मैं अकेली यहाँ पे नहीं होती। दुखिया रो मत, तेरा ये दुखिया हाल देख करके मेरा भी दिल भर आता है। आखिर बता, तू कौन है, क्या नाम है तेरा, और तेरे बेटे का क्या नाम है? मत पूछिए। क्यों? आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकती आप? क्योंकि तुझे मालूम नहीं, एक मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, मेरा फर्ज बनता है कोई भी इस मूर्त घाट के अंदर अपनी लाश को लेकर के आए तो मैं उसका पहरेदार हूँ, उसकी ड्यूटी निभाता हूँ, उससे 25 रुपया और मुर्दे का कफन लेने का मेरा हुक्म बनता है, मेरे मालिक का हुक्म है। कैसी बात करते हो आप? हाँ। आप अपनी आंखों से देख रहे हो? हाँ। कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। मैं फिर मैं आपको ऐसे हालात में 25 रुपया और कफन कहाँ के कहाँ से ला के दूँ? नहीं, मैं नहीं जानती कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ कानून कायदे भी होते हैं, क्योंकि मैं दुखिया सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मुझ दुखिया का एक लौता लाल अपनी माँ को छोड़ के चला गया। मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन तू अपना नाम बता और अपने बच्चे का नाम बता। आप क्यों जान बूझ कर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या शायद आपने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन मैं इतनी अनजान नहीं हूँ, मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। कौन किसको पहचान गई है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। ए धूर्त स्त्री, आपको पहचान गई हो। किसको? आपको। आपको महाराज, देखिए अपनी आंखों से देखिए महाराज, ये जो औरत आपके सामने बैठी हुई है ये कोई गैर स्त्री नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पत्नी तारा है महाराज। परमात्मा। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है ये भी किसी गैर की नहीं महाराज, तुम्हारे एकलौते पुत्र रोहतास की लाश। परमात्मा, ये सब देखने से पहले मेरी ये सांसें क्यों ना रुक गई? ओ क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा, ऊपर वाले, क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा। अरे जिस तरह भी हो सके कर मेरी जिंदगी का खात्मा, अब मैं ये दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। हे प्रिय, हे तारा, मेरे इस जिगर के टुकड़े को तू आज इस शमशान में इस हालत में लेकर के आई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और आज ये सब कैसे हुआ मुझे बताओगी कुछ? मैं तेरे से जानना चाहता हूं, मैंने हंसता खेलता मेरा बेटा मैंने तुम्हारी गोदी में दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि इस वक्त इस मौके पे मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े मेरे हृदय के सम्राट को लेकर तू शमशान भूमि में लेकर के आओगी तारा, इसलिए नहीं दिया था। क्या बताऊं आपको? हाँ। ये सब मेरी किस्मत का खेल है महाराज, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है महाराज।
तेरा दोष नहीं? नहीं, मैं नहीं समझ सकता। मुझे ये बता, और ये तो ऊपर वाले को मंजूर था, हम घर से तीन प्राणी सही सलामत निकले, लेकिन तीनों को इकट्ठा रहना उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। प्रिय, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा था कि दोनों माँ बेटे एक जगह रह करके अपने दिन गुजरान कर लेंगे, मैं तो अपना कहीं भी पेट भर लूंगा। लेकिन इस बात का मुझे मालूम नहीं था कि हम तीनों ही अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, लेकिन इस समय का भी मुझे मालूम नहीं था। तारा, अब एक काम कर, ये भी परमात्मा ने ठीक मोड़ पर हमें ला करके मिला दिया, हम दोनों जने मिलकर के अपने बेटे की मिट्टी तो ठिकाने लगा सकेंगे। 125 रुपया और इस मुर्दे का कफन मुझे जल्दी ला करके दे दे। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप अच्छी तरह देख रहे हो कि मुझ दुखिया के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं 125 रुपया और कफन कहाँ से लाके दूं महाराज, कहाँ से लाके दूं? नहीं है मेरे पास 125 रुपया और कफन आपको देने के लिए महाराज, नहीं है मेरे पास। मेरे सामने आंसू बहा करके मेरे दिल को और मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। क्या मैं स्वामी द्रोही बन जाऊं? ए धूर्त स्त्री, मैं नहीं जानता तू मेरी तारा है, और मैं नहीं जानता कि ये मेरा रोहतास कुमार है। मेरा इस समय मैं ये जानता हूं कि मैं अपने मालिक की ड्यूटी कर रहा हूं। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो फर्ज है, ये बनता है कि तुझसे 125 रुपया मुर्दे का कर चाहिए और इस मुर्दे का कफन मुझे चाहिए। ला, जल्दी दे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था क्या कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा भी खेल खेलेगी, जिसके साथ सात फेरे लेकर जन्म जन्म के बंधन में बंधकर आई, आज वही मुसीबत के वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहा। आखिरकार मैं आपकी रानी हूँ पिया जी। कौन तारा? इतना जोर मत जमाइए पिया जी, इतना जोर मत जमाइए। नहीं, मैं नहीं जानता कि तू मेरी तारा होगी। अगर तूने थोड़ी देर और कर दी, मेरा स्वामी मेरा मालिक आ गया, तो मुझे ना जाने कितनी डांट फटकार खानी पड़ेंगी, और मुझे मजबूरन तुझे और तेरे इस लाश को धक्के दे करके यहाँ से निकालना होगा। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मुझे 125 रुपया और मुर्दे का कफन चाहिए, वरना तुझे और तेरी इस बच्चे की लाश को उठा करके शमशान से बाहर फेंक दूंगा। नहीं प्रिया जी, नहीं। जोर क्यों जमावे पिया, अच्छा रानी तेरी में, रानी तेरी में। तू मेरी रानी हो सकती है? नहीं, इस वक्त नहीं, लेकिन ध्यान से सुन। आर्य घाट पे समझ गया तारा, आर्य घाट पे समझ गया तारा, अरे तेरी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर घाट पे समझ क्या तारा, घाट पे समझ क्या मैं तारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे प्यारा, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। Thank you.
चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ राजा न हरी चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अरधंगी हूँ। अरन्यू कह दी तन्नन्यू कह दी ना घटा ठवाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ। कह दी ना खड़ा ठवाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ। फिर समझ रही पियाला बे समझ रही पियाला हानी तेरी घाट पे समझ क्या मैं तारा कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोड़ क्यों जमावे पिया रानी तेरी नहीं रानी तेरी मैं। चली जाओ जहां से चली जाओ तारा नहीं। हाँ मैं कहता हूँ जा मुझे इस मुर्दे का कर चाहिए और या इसका एक कफन चाहिए तब यहाँ पर रख सकूंगी। रन्यू सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने दे दे ना फूकन दूंगा लाश तने सवा रुपया और कफन दे दे फूकन दूंगा लाश तने। लात चिता में मत मारे पिया पालिया तरो दास तने अरे पाको पीच कहीं पाको पीच फूक देती जो नाल्या ना था पास तने भूक देती हो नाल्या ना था पास तने। मेरे नफरत क्यों भरी से पिया हाँ? नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं। हेरी घाट पे समझ गया तारा घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया नहीं रानी तेरी मैं रानी तेरी क्या होती है एक माँ का प्यार क्या होता है। जो औरत पहली बार माँ बनती है वो इस दुनिया की सबसे खुशी नसीब माँ होती है। उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है एक औरत के लिए माँ बनना। लेकिन जिस औरत की आंखों के सामने उसका एक लौता लाल मर जाए वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है। महाराज आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया अपनी माँ को छोड़ के चला गया। महाराज हे तारा मेरी गोदी सोनी हो गई पिया जी मैं तो पांच के पांच रह गई पिया जी फिर भी आप ऐसे हालात में मुझसे सवा रुपया कफन मांग रहे हो।
आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मजदूकिया के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं आपको इस हालात में 125 रुपया और कपन कहां से लाके दूं महाराज, कहां से लाके दूं? कुछ भी होता ना, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। नहीं समझते आप मेरा दर्द महाराज, लेकिन अगर आप मेरा दर्द समझते तो आप मुझसे ऐसे बातें नहीं करते। आप तो पत्थर दिल बन चुके हो महाराज, आपके अंदर थोड़ी भी ममता बाकी नहीं रही, आपके अंदर थोड़ा भी प्यार नहीं रहा महाराज। प्रिय, अगर ये मेरा रोहतास कुमार होता और तू मेरी प्यारी तारा होती, अवधपुरी के अंदर हम दोनों नहीं शोक मनाते। अगर मेरा बेटा अवधपुरी के अंदर मरता तो सारा नगर शोक मनाता। किसी नगर के अंदर चूल्हा नहीं सिलकता तारा, इसीलिए मेरा हृदय मानता है कि मेरा बेटा कभी जीवन में मर ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए तारा, मुझे तेरा त्याग करना पड़े। पृथ्वी अपने पेट को छोड़ दे, शीतलता अपने जल को छोड़ दे, लेकिन राजा हरिचंद मरते दम तक अपने सत को नहीं छोड़ सकता, अपने सत को नहीं छोड़ सकता। आज तक इस दुनिया में इतने पत्थर दिल पिता नहीं देखा जितने पत्थर दिल आप बन चुके हो। मैं पत्थर? अरे मेरी तरफ तो देखिए महाराज, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, एक बार तो मेरे बारे में सोचिए। पियाजी, यहाँ से जाती है या मुझे धक्का दे करके निकालना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी महाराज। अच्छा, ऐसे नहीं। या फिर मेरी मुझे स्वामीद्रोही बनाना चाहेगी? औरत चली जा, मैं तुझे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले अपने सच से नहीं डिग सकता तारा, नहीं डिग सकता। स्वामी मेरा मालिक तुम्हारे चीर को कबूल कर लेगा
अगर मैं स्वीकार कर लेगा तो मैं हंसी खुशी उसे दे करके आऊंगा, और उसने मुझे इजाजत दे दी तो हम दोनों अब आगे इस बच्चे के माता पिता इसकी मिट्टी ठिकाने लगा देंगे। प्रिय ला, यह भी कर ले। तो लीजिए महाराज, आज ये तेरा अभागा पति यह भी करने के लिए तैयार है। अगर आपका बेटा मेरे चीर को ले जाकर भरता है तो ले जाइए महाराज, मेरे सुहाग की मेरी आखिरी निशानी, मेरे गले की कंठी, इसको भी ले जाइए महाराज, लेकिन अपने मालिक का बेटा भर दीजिए महाराज, दे दीजिए अपने मालिक को जाकर, इसके सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं। मेरे नंगे सिर भी रह लूंगी जा, अपना परजनी भैये तू, ढाला रख परमेश्वर उसी ढाल रही तू, जिस ढाला रख परमेश्वर उसी ढाल रही तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब ते दाग लगाई है तू, नई पस्ती गुरु धाम जय करन हर दम शीश झुकइए तू, नई बस्ती गुरु धाम जय करन हर दम शीश झुकइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, पे समझ क्या तारा, घाट पे समझ क्या तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में, हे तारा।